हेलो दोस्तों, JPL इलेक्ट्रिकल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज इस लर्निंग सेशन में आपको सिंगल फेज समर्सिबल की कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताएंगे। इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी दिया जाएगा जिसके द्वारा आप वो देख के कंट्रोल वायरिंग सीख सकते हो, और आपको प्रैक्टिकली कंप्लीटेड बताया जाएगा कि कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है। अब हम आपको इसके पार्ट के बारे में बता देते हैं, जो कौन कौन से यूज़ बेसिकली यूज़ होते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास जो पैनल है, ये 3 HP समर्सिबल का पैनल है। इसके अंदर हमें एक MCB चाहिए, एम्पेयर मीटर, वोल्टेज मीटर, ऑन ऑफ के लिए अननोन सी पॉइंट, दो कैपेसिटर, एक 50 MFD का, एक 150-200 MFD का है, एक कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर के अंदर 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे सप्लाई के वायर दिए जाते हैं और यहाँ पे मोटर के वायर लगते हैं। और ये जो नीचे आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कोयल के पॉइंट हैं, A1 और A2। यहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे तो ये ऑन ऑफ किया जाता है। इनको ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास स्विच है और हमारे पास एक ये कनेक्टर है। यहाँ पे हम फेस न्यूट्रल और यहाँ पर RYB सप्लाई के वायर, और यहाँ नीचे है जो मोटर के वायर लगते हैं, ये आपको दिखा देते हैं, फेस न्यूट्रल RYB। अब हम आपको इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताते हैं। आपको फुली प्रैक्टिकली बताया जाएगा। आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक लिंक लेके हमारी MCB को देनी है सप्लाई। ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है, ये रेड है, ये वाई है और ये ब्लू है। रेड येलो ब्लू ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, फेस न्यूट्रल RYB। ठीक है जी, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको हमने MCB के अंदर लगाया, MCB से एक लिंक उठा के हमने एम्पेयर मीटर के अंदर दे दिया है। एम्पेयर मीटर के अंदर दे दिया हमने। अब यहाँ से एम्पेयर मीटर से एक वायर लिया, इसके अंदर हमने दो लिंक लगा दिए। यहाँ पे दो लिंक लगाए, एक लिंक तो हमें कॉन्ट्रेक्टर के सप्लाई वाले सिरे में देना है L1 के अंदर। L1 के अंदर दे दिया हमने सप्लाई वाले सिरे के अंदर। और जो इसके साथ दूसरा लिंक लगाया हमने, ये हमारा जो NO पॉइंट है, ये NC पॉइंट है, ये NO पॉइंट, ये स्टार्ट का स्विच है, ये ऑफ का स्विच है। जो हमारा स्टार्ट का स्विच है उसके अंदर हम इसको दे देंगे, दे दिया। अब यहां से एक लिंक और लेके जो हमारा वोल्टेज मीटर है उसको हम सप्लाई देंगे, इसको हम यहाँ से फेस दे देंगे जो हमारा वोल्टेज मीटर है उसके अंदर। यहाँ पे सप्लाई दे दी हमने। और अब इस वायर को हमने वोल्टेज के एक टर्मिनल के अंदर दे दिया है। इसके दो टर्मिनल है, T1 और T2। T1 के अंदर हमने दे दिया, अब T2 के अंदर हम न्यूट्रल देना, हमें फेस हमने दे दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर न्यूट्रल की वायर देते हैं। ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर लगाना है हमें। ये हमने न्यूट्रल के अंदर दिया, न्यूट्रल का एक पॉइंट हमें डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर के A2 के अंदर देना है, जो हमारी A2 कोयल है यहाँ पे देना है। और साथ में जो हमारा ये L1 है, ये L2 है, इसके अंदर लगाना है। और एक लिंक उठा के हमें यहाँ पर, ये देखिए,
जो हमारी कॉन्टेक्टर की जो कोयल है इसके टर्मिनल के अंदर दे देंगे हम L1 L1 L2, यहाँ पर लगा देंगे इस मेटल वायर को। और इसके साथ एक लिंक लेके हमें कॉन्टेक्टर की A2 कोयल के अंदर सप्लाई दे देंगे। और जो इसके साथ जो दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर रखा है हमने, इसको हम जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके अंदर लगा देंगे। ये हमने फेस दिया था, ये हमने न्यूट्रल दे दिया इसको। और एक ये जो साथ में जो टर्मिनल लगाए जो हमारी इंडिकेटर है उसके अंदर लगा देंगे। इसके अंदर हमने फेस दे दिया था यहाँ से और न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे। न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया, इंडिकेटर है जो हमारा ये जो हमारा इंडिकेटर है उसके द्वारा। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल हमने यहाँ से पॉइंट लिया न्यूट्रल का, ये हमारे L1 के अंदर फेस दिया, L2 के अंदर हमने न्यूट्रल दिया और एक लिंक उठा के यहाँ पे कॉन्टेक्टर की A2 कोयल के अंदर हमने लगा दिया है। फेस और न्यूट्रल हमने दे दिया इसको। अब इसके अंदर हमें मोटर की कंट्रोल वायरिंग करनी है और साथ में इसको चालू बंद किस प्रकार किया जाए उसकी वायरिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा RYB है, पहले हम R लेते हैं, एक रेड कलर का वायर लिया और इसको इस पॉइंट के अंदर लगा देते हैं। इसके अंदर हमने दो टर्मिनल जोड़ रखे हैं पहले से ही, उनको कहाँ कहाँ पर लगाना है आपको बताते हैं अभी। फेस न्यूट्रल और ये रेड कलर, आर को हमने यहाँ पे टाइट कर दिए। और अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसकी L1 L2 है और इधर वाले जो पॉइंट हैं इनको हम U1 और U2 मान लेते हैं। चलो U1 और L1 L2 U1 U2 जो मोटर के वायर हैं इसको हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पे टाइट करें। इसके साथ हमने दो लिंक भी लिए हैं, इसके साथ हमने दो लिंक लिए, एक लिंक तो हम तीन लिंक है ये, एक लिंक हमने कॉन्टेक्टर के U1 के अंदर दे दिए। अब जो दूसरा लिंक है इसका, इसको हम जो हमारा ऑफ का स्विच है उसके एक नंबर टर्मिनल के अंदर लगा देंगे। लगा दिया यहाँ पे हमने रेड वायर के तीन लिंक लिए थे, एक लिंक को हमने कॉन्टेक्टर के U1 के अंदर लगा दिया, दूसरे को हमने जो हमारा ऑफ स्विच है उसके टर्मिनल के अंदर लगा दिए। और अब तीसरा पॉइंट बचा है, इसको हम देंगे जो हमारा 50 MFD का कैपेसिटर है उसके साथ हम इसको लगा देंगे। इस प्रकार हमने इसको लगा दिया और इसके ऊपर हम ये स्लिप लगा देते हैं। इसके साथ लगा दिए,
अब हमारे पास वाई पॉइंट बचा है, आर हमने कर दिया कंप्लीट, अब हमारे पास वाई पॉइंट बचा है। वाई पॉइंट के साथ हमने दो लिंक लिए और इनको कनेक्ट कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये वाई है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसके दो पॉइंट है। एक पॉइंट को हमने जो हमारा 50 mFD का कैपेसिटर है उसके साथ लिंक कर देना है, इसको जोड़ देना है इसको, और इसके बाद इसको स्लीव चढ़ा देंगे। जो हमारा 50 mFD कैपेसिटर है उसके दोनों पॉइंट होल्ड हो चुके हैं, दोनों को हमने जोड़ दिए, एक आर के साथ लिंक लगा दिए और दूसरा हमारा येलो वायर है, पीले वाला वायर, उसके साथ हमने जोड़ दिया। अब जो ये पीले वाला वायर है ये हमारा जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है उसके एक वायर के साथ लिंक होगा। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसका वर्क काम ये है कि अगर ये डिस्चार्ज ना हो तो ये इसको डिस्चार्ज कर देगा, ये डिस्चार्ज करने के लिए इसको यहाँ पे हमने लगा रखा है। बट आपको एक बार हम डायरेक्ट जोड़ के बता देते हैं, ये हमने स्लीव्स के ऊपर चढ़ा दिए। अब जो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 150-200 का अपना, इसके साथ एक वायर लेके हमने वायर लिया, इसके साथ लिंक लिया, और इस लिंक को हम जो हमारा स्टार्ट का पॉइंट है ये दूसरे वाला, इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो आपको मैं वायरिंग समझा रहा हूँ, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के अंदर, जो एंड में दिया गया है वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ दिया है। अब हमारा आर वाई भी हो गया, अब हमें देना है इसके अंदर ब्लू, ब्लू वायर लिया और ये हमारा डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर चला जाएगा। कॉन्टेक्टर का जो U2 पॉइंट है, U1 में हमने रेड को लगा रखा है और U2 के अंदर हमने ब्लू वायर को लगा देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट इस ब्लू वायर को हम लगा देंगे, इस कर लिया, इधर से निकाला इसको, और L1, L2, U1, U2, आपको दोबारा बता देते हैं। R हमने लगा दिया, Y लगा दिया और अब B लगाना था, हमें ब्लू लगाना था, तो ब्लू का एक लिंक उठाया और हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के U2 के अंदर दे दिया। A1 के अंदर सप्लाई दे दी गई है, अब हमें देनी है A2 को सप्लाई कॉन्टेक्टर के A2 के अंदर। तो A2 की सप्लाई देने के लिए मैं हमारा जो ऑफ का स्विच है, स्टॉप का स्विच है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे। ये होल्डिंग सप्लाई है कॉन्टेक्टर को होल्ड रखने के लिए, और इसको कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट के अंदर लगा देंगे। ये जो A1 पॉइंट के अंदर हमने न्यूट्रल दे दिया था, और A1 के अंदर अब हम फेस की सप्लाई दे देते हैं, जिसके द्वारा हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड पोजीशन में रहेगा। कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी, आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ मैं। हमने एक रेड वायर लिया फेस के अंदर, MCB को दिया, MCB से हम एम्पेयर मीटर के अंदर दिया, और एम्पेयर मीटर से हमने L1 के अंदर दे दिया। इसके बाद हमने एक न्यूट्रल लिया, वो हमने L2 में दिया, और L2 से एक लिंक उठा के हमने कॉन्टेक्टर के A1 के अंदर दे दिया, जिससे ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है, अब हमें एक आर का लिंक लिया जिसके अंदर हमने तीन लिंक लगाए आर के अंदर,
उसको कॉन्टेक्टर के U1 के अंदर दिया, और एक लिंक को हम जो हमारा ऑफ स्विच है उसके एक नंबर टर्मिनल के अंदर दिया, और जो तीसरा पॉइंट है उसको हमने 50 mFT के कैपेसिटर के साथ लगा दिया। अब वाई जो हमारा येलो वायर है इसको हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर दिया और 50 mFD के कैपेसिटर के अंदर दे दिया है। इसके बाद ब्लू वायर को हमने डायरेक्ट U2 के अंदर दे दिया, U2 के अंदर दे दिया, और इसको होल्डिंग रखने के लिए एक वायर हमने जो रेड से लिया था वो जो हमारा ऑफ का स्विच है उससे एक लिंक उठा के हमने कॉन्टेक्टर को A2 के अंदर दे दिया। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। अब इसको हम सप्लाई देते हैं फेस और न्यूट्रल, और RYB के ऊपर हमें मोटर के 3 वायर लगाने हैं। ये हमारा फेस है, इसको फेस के अंदर डाल देते हैं, और ये जो हमारा न्यूट्रल है इसको न्यूट्रल में डाल देते हैं। न्यूट्रल को हम न्यूट्रल के अंदर लगा देते हैं। इसको फेस और न्यूट्रल हमने दे दिए, फेस और न्यूट्रल हमने दे दिए इसको। अब इसको सप्लाई देके आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये हमारी MCB है, इसको ऑन करते हैं। वोल्टेज आ चुकी है हमारी, और ये हमारा एम्पीयर मीटर है। अब इसको हम ऑन करते हैं, ऑन स्विच से ऑन हो चुका है, ऑन और ये ऑफ, ऑन और इसके द्वारा ऑफ हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑन स्विच को दबाते हैं, ऑन है, अब इसको बंद कर देते हैं, ऑफ हो गया। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।